जय श्री कृष्णा। ओम पूजा पाठ परिवार में आपका स्वागत है। आपके घर, हमारे घर में माताएं बहना कुछ न जानते हुए गलत कार्य कर देती हैं, जिससे घर से लक्ष्मी रूठ जाती हैं। प्राचीन काल से यह मान्यता चली आ रही है कि हमारे घर के माताएं बहना ही घर की लक्ष्मी होती है, गृहिणी लक्ष्मी कहा गया है। और आपसे एक नम्र निवेदन करना चाहता हूँ, अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करें। आइए जानते हैं क्या नहीं करना चाहिए। रात में सोते समय जूठे बर्तन नहीं रखना चाहिए, खास करके गैस पे जिस बर्तन से आपने सारा सामान निकाल लिया है, धोए नहीं है, उस बर्तन को आप फ्रेश नहीं किए हैं और उसी बर्तन को, जूठे बर्तन को आप गैस चूल्हे पर या कोई भी चूल्हे पर छोड़ रहे हैं, तो ऐसे स्थिति में आपके घर में दरिद्रता आता है। दूसरा, कभी भी पैर से झाड़ू को नहीं मारना चाहिए या साइड झाड़ू को पैर से नहीं करना चाहिए। झाड़ू को सदैव आप ऐसे जगह पर रखें जहां किसी की नजर ना पड़े। अगर नजर नहीं पड़ेगी तो किसी का पैर नहीं लगेगा, क्योंकि शास्त्र में, वेद में, पुराण में यह वर्णित है कि झाड़ू माँ लक्ष्मी स्वरूपा होती है। तीसरी बात, जिनके भी घर में माताएं बहना पैर से ठोकर मारकर दरवाजा खोलती हैं या बंद करती हैं, वे तुरंत अभी से यह कार्य बंद कर दें। चौथा बात, जिनके घर की माताएं बहना दहलीज पर, चौखट पर बैठती हैं या बैठकर खाना खाती हैं, तो यह कार्य अभी तत्काल से बंद करें, नहीं तो उनके घर में माताएं लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं और उनके घर में माता लक्ष्मी कभी नहीं आती है। और जिनके घर में रात में भोजन करके जूठा बर्तन भी रख दिया जाता है तो वहां भी माँ लक्ष्मी नहीं आती है। आजकल मैं अधिकांश घर में यह देखता हूं कि रात में जूठा बर्तन वैसे ही छोड़ दिया जाती है, यह बहुत ही गलत बात है। एक चीज और आप करें लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, सामुद्रिक नमक या सेंधा नमक सप्ताह में एक दिन अवश्य पानी में डालकर घर में पोछा लगाएं, जिससे घर की नकारात्मक शक्ति दूर हो और आपके घर में सकारात्मक शक्तियां का प्रवेश हो और आप हमेशा आगे की ओर बढ़ें। जिस घर में माताएं बहना शाम को या रात में झाड़ू लगाती हैं, वे तत्काल बंद करें। झाड़ू प्रातःकाल लगाना चाहिए या गोधूली बेला के पहले ही आप झाड़ू पोछा लगा लें। गोधूली बेला के बाद झाड़ू पोछा कभी नहीं लगाना चाहिए, इससे घर में दरिद्रता आती है। अगर आप प्रातःकाल झाड़ू लगा रहे हैं और दरवाजे के सामने जल का छिड़काव कर रहे हैं, ऐसे मैं एक वीडियो पहले ही बना चुका हूं कि सुबह उठकर घर के दरवाजे पे क्या करना चाहिए। मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाकर देख सकते हैं। जिनके घर में माताएं बहना देर तक सोती हैं, सूर्योदय के पहले नहीं उठती हैं, उनके घर में असफलता अवश्य आती है। लेकिन आजकल कहीं कहीं मजबूरी भी है देर से उठना, क्योंकि आप लोग नाइट शिफ्ट काम करते हैं, 2-3 बजे सोते ही हैं, तो सुबह कैसे उठ सकते हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो महिलाएं घर पे रहती हैं, घर का कार्य देखती हैं, उन्हें प्रातःकाल अवश्य उठना चाहिए। और जो महत्वपूर्ण बात है, वह महिलाएं सुबह उठकर घर में पोछा लगाएं, झाड़ू लगाएं, रंगोली बनाएं अवश्य, जिससे उनके घर में माता लक्ष्मी सदैव निवास करें। माता बहुत ही प्रसन्न होती हैं और उन्हें आशीर्वाद देती हैं कि मैं आपके घर से कभी नहीं जाऊंगी, जिनके घर में सुबह उठकर झाड़ू लगता है, पोछा लगता है और रंगोली बनाई जाती है। आशा करता हूँ यह वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। ओम पूजा पाठ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय लक्ष्मी माता।